दृढ़ निश्चय और सकारात्मकता ऐसी ऊर्जा हैं जिनसे ज़िंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान कला संस्कृति के साथ में ही राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज जो अपन ने शुरू की है, उसमें पहला टेस्ट पढ़ा था अपन ने राजस्थान एक सामान्य परिचय, जिसमें महत्वपूर्ण 30% अपन ने देखे थे। आज राजस्थान का टॉपिक टेस्ट नंबर 2 है ज्योग्राफी का, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पशु परिचय है, रीट है, सीईटी है, सेकेंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, पटवार भर्ती है। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन टेस्ट सीरीज से जुड़े जुड़े, हर टेस्ट सीरीज में 30% मिलते हैं, यानी कि रोजाना आपको 60% मिल रहे हैं, सुबह 11 बजे की क्लास में और शाम को 8 बजे की क्लास में। ठीक है, तो अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, देखिए राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है, 4, 5, 6 या फिर 8। देखिए हर टेस्ट में 30% होते हैं, और आप भी अपना साथ साथ में मूल्यांकन करें आप कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 4 भागों में। ठीक है, देखिए एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली का पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 4 भौतिक प्रदेशों में इनको बांटा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, गोभी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल। देखिए राजस्थान का जो मरुस्थल है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। चलिए प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 50% क्षेत्रफल, जनसंख्या 50%, क्षेत्रफल 31 यहाँ पर 61% और जनसंख्या 40%, क्षेत्रफल 70% और जनसंख्या 3, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, क्षेत्रफल 50% और जनसंख्या 50%, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%, क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 60%, क्षेत्रफल 70% और जनसंख्या 70%। तो कौन सा इसमें राइट है, देखिए थार के मरुस्थल में जो क्षेत्रफल है वो आएगा 61% और जनसंख्या आएगी 40%। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, यानी जो 4 अपने पड़े भौतिक प्रदेश, तो इनको कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, 12, 11, 14 या फिर 13। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, शेखावाटी, घग्गर बेसिन, बनास बेसिन, गोडवाड़ बेसिन। तो क्या आएगा इसमें राइट आंसर, देखिए बांगर प्रदेश का भाग नहीं है तो इसमें बनास बेसिन। ठीक है, ये जो बनास बेसिन है ये मालपुरा करौली का मैदान में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए लूनी ज्वाई बेसिन, गोडवाड़ा प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खाद भूमि, माही बेसिन, छप्पन मैदान, बनास बेसिन, बांगड़ प्रदेश। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है,
देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास बेसिन। अभी पढ़ा था कि बनास जो बेसिन है ये मालपुरा करौली का जो मैदान है इसमें के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये गलत है। सात नंबर प्रश्न है, गोडवार बेसिन राजस्थान की किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पूरी मैदान, थार पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती पठार, उत्तरी राजस्थान। तो क्या होगा सात नंबर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थार पश्चिमी मरुस्थल। प्रश्न नंबर आठ, घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू का सीकर जिलों में, झुंझुनू का सीकर जिलों में, ठीक है, यहाँ पे जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में, ठीक है। तो घग्गर का मैदान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर व हनुमानगढ़ जो जिला है यहाँ पर है घग्गर का मैदान। प्रश्न नंबर नौ, आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। देखिए आकल काष्ठ जो जीवाश्म पार्क हैं ये हैं जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 60% वर्षा रेखा से या फिर 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, ठीक है, यह राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है, सम वर्षा रेखा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। क्या आएगा? बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं? यह आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। देखिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है यानी कि जैसलमेर का क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप है इनके कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? अनुधेरीय, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, सबर का पीज, पैराबोलिक, ये सभी जो बालू का स्तूप है ये मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? सीप, बरखान, बजेड़ा, पैराबोलिक। तो पश्चिम राजस्थान में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, बजेड़ा। ये क्या है बजेड़ा? तो ये है पान का खेत, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? गतिशील रेत के टीले स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इनको? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी या फिर धरियन। तो इसका राइट आंसर है धरियन, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में पलाय झीलों की रचना कहाँ हुई है? पलाय झीले लोनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो पलाय झीलों की जो रचना है ये मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या फिर थार मरुस्थल अंचल, बताओ कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? यहाँ पर है अंचल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरावली पर्वतीय अंचल। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान में 692 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 652 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो क्या इसका राइट आंसर?
ऑप्शन नंबर डी 550 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बताइए अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कौन सी दिशा में है? देखिए राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इनका विस्तार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर है। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इसका राइट आंसर है गुरु शिखर, 1727 मीटर। ठीक है, शेर ये सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर, ये भी सिरोही में। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी कहाँ पर, सिरोही में, 1442 मीटर। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, कुंभलगढ़, ये 1224 मीटर है। ठीक है, 1224 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? टोडगढ़, ऊपरमाल का पठारी भाग, माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? तो ये माउंट आबू कहा था। ठीक है, माउंट आबू की जो ऊंचाई है वो 1220 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर, खो, नागपहाड़, टाटगढ़ व बेराज। दूसरा ऑप्शन टाटगढ़, खो, नागपहाड़ व बेराज। तीसरा है नागपहाड़, टाटगढ़, बेराज व खो। चौथा है टाटगढ़, नागपहाड़, खो व बेराज। बताओ अवरोही क्रम बताओ इनका। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटगढ़, फिर आएगा खो, फिर नागपहाड़, फिर बेराज। देखिए टाटगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर, और ये कहाँ पर है, ब्यावर में, कहाँ पर है, ब्यावर, टाटगढ़। खो, खो चोटी कहाँ पर है, जयपुर में, इसकी जयपुर और अलवर। ठीक है, और 920 इसकी ऊंचाई जाएगी, ये जयपुर और अलवर। ठीक है, नागपहाड़ अजमेर में है, 795 अजमेर। इसके बाद में जो भेरा चोटी है ये 792। ठीक है, 792, और ये कहाँ पर है, बेराज अलवर में। तो इनका क्रम है, ठीक है, टाटगढ़, खो, नागपहाड़ व बेराज। प्रश्न नंबर 21, डग गंगाधर उच्च भूमियाँ हिस्सा है अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती पठार का, पूरी मैदान का, थार मरुस्थल का। डग गंगाधर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार का। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई जाती है? कोटा बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, स्वयंमाधोपुर, करौली, धौलपुर। उत्खात भूमि, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, स्वयंमाधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी जो चंबल नदी यहाँ पर बहती है तो चंबल नदी का क्षेत्र ही उत्खात भूमि कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य की भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा या फिर मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को, तो इसमें राइट आंसर है मेवल। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, लस्साड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लस्साड़िया का पठार जैसलमेर, सलोम्बर, कोटा, गंगानगर। तो लस्साड़िया का पठार है सलोम्बर जिले में, पहले था उदयपुर में, अब आ गया सलोम्बर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 25,
बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? अलवर राजगढ़, कमलगढ़ गोगुंदा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। बोराट का पठार, तो इसका राइट आंसर है कमलगढ़ व गोगुंदा। और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ठीक है 920 मीटर। प्रश्न नंबर 26, कौन सा सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात, अलवर भरतपुर, भोमठ, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन भोमठ। भोमठ में आएगा उदयपुर, उदयपुर सिरवा जाएगा इसमें, ठीक है, और आ जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है। तो इसमें जो भोमठ ये इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 27, शिवपुरा घाट, सुरागाट व देवारी दर्रा स्थित है? अरावली नदी घाटियाँ, अरावली के दर्रे, खनन केंद्र और नदियों के उद्गम। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें जाएगा अरावली के दर्रे, ठीक है, और यह है मध्य अरावली के दर्रे, मध्य अरावली। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खबड़ पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम है? गिरवा, बाकर, बोराट या फिर थली। देखिए सिरोही जिले में जो उबड़ खबड़ पहाड़ियाँ हैं इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बाकर। क्या कहते हैं? बाकर, ठीक है बाकर। चलिए प्रश्न नंबर 29, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडावाला पर्वत। बूंदी जिले की जो पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ है? इसमें जाएगा आडावाला पर्वत, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न, इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। देखिए जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, अभी ज्योग्राफी की चला दी और कला संस्कृति की चली रही है, दोनों जो टेस्ट सीरीज है ये टॉपिक टेस्ट सीरीज आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़े, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विराट, जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़। देखिए अरावली का सर्वोच्च शिखर उत्तरी अरावली का कौन सा है? विराट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 704 मीटर और विराट कहाँ पर है वर्तमान में? कोटपुतली बहरोड़, ठीक है कोटपुतली बहरोड़ नया जिला है। तो ये इसमें आ गया विराट, ठीक है 704 मीटर ऊंचा है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो ये आज महत्वपूर्ण 30% थे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, आपको क्लासिक कैसी लग रही है और कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही कर पा रहे हो। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ में, कला संस्कृति के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में